अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हरीम शाह। पाकिस्तान के अंदर चूंकि टिकटॉक बैन हो चुका है, मुझे पाकिस्तानी यंग जनरेशन के लिए भी और जो भी टिकटॉक के शौकीन है, हम सब के लिए, टिकटॉकर्स के लिए, म्यूजिक के लिए एक बहुत बैड न्यूज है, एक ऐसी न्यूज जिसकी वजह से हम सब शॉक्ड भी हो चुके हैं। और बंद होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि बेहयाई की तरवीज और टिकटॉक पे बेहयाई है। तो मेरे ख्याल में किसी चीज का बैन कर देना हल नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता कि आप किसी चीज को बैन कर दें। बेहयाई के खिलाफ मैं खुद भी हूं, हम सबको बेहयाई के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए, बेहयाई को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन टिकटॉक वाहिद वो ऐप नहीं है कि जो बेहयाई की तरवीज कर रहे या बेहयाई की इशात कर रहे, ये गलत बात है। और मैं टिकटॉक को बैन करने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं इस हक में जरूर हूं कि ऐसे लोग जो कि बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बेहयाई को लेके आगे चल रहे हैं, अगर आप उनको इबरत का निशाना बनाएं तो मेरे ख्याल में ये तमाम लोग, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भी बेहयाई इस तरह के कर सके। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जिनको टिकटॉक की वजह से फेम मिला और बहुत सारे ऐसे गुरबा जो टिकटॉक की वजह से आगे आए, जिसको टिकटॉक ने प्रमोट किया, जो टेलीविजन पे नहीं जा सकते थे, अपने शौक उन्होंने यहां से आके पूरे किए और जिनके बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी कमाने का ये जरिया था। और हमारी हुकूमत वक्त ने जो है तो इसको बैन कर दिया और एक शॉर्ट पे